नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं आपके लिए वैसे एक छोटी सी वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ दोस्तों, खुशखबरी थी क्योंकि कल मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई, जो मैंने कल आपको वीडियो जारी की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गया था और आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत बधाइयाँ दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपको। लेकिन इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे वो साथी जो 33 से 45% के बीच में नंबर लाए हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए, वो फेल हो गए हैं। लेकिन उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। तो हमने कहा था कि जो अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए हैं वो ज़्यादा निराश ना हो। तो उसी संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज सुबह ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग ये खबर आई है कि जो अभ्यर्थी 33 से 45% के बीच में पास हो रहे हैं उनको भी पास होने का मौका मिल सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनके स्टेटमेंट के अनुसार, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जैसा कि 68,500 रिक्त पद पर केवल 41,000 ही पद भरे गए हैं, यानी उच्च शिक्षा में तो उत्तीर्ण हुए हैं, अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इन 41,000 के बाद लगभग 27,000 पद अभी भी रिक्त है। तो वो सरकार हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और सर कोर्ट से ये कहेगी कि इतने पद रिक्त बचे होने के कारण आप पुनर्विचार कीजिए और हमें कट ऑफ को पहले वो कट ऑफ करेंगे 5% कम, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए रखेंगे वो 40% और एससी एसटी के लिए रखेंगे वो 35%। इस पर रिजल्ट जारी करेंगे, कितने अभ्यर्थी इसमें पास हो जाते हैं, यानी कि बचे हुए 27,000 पद में से कितने अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, लगभग मान लो 10,000 हो जाते हैं, 15,000 और हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कम होते हैं, 5 या 6,000 ही होते हैं, यानी रिक्त पद और ज़्यादा बचते हैं, तो कोर्ट से पुनः विचार करने के लिए फिर कहेगी कि जो है रिजल्ट हमें 30 और 33 पर ही निकालने दीजिए, तभी सारे पद भरे जा सकते हैं। यानी सरकार पूरी तरीके से इन 68,500 पदों को मेरिट गिरा के भरने के पक्ष में है और इसके लिए वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी के बहुत बहुत हम आभारी हैं, सभी वो कैंडिडेट आभारी हैं जिन्होंने 33 से 45 बीच मांग प्राप्त करे हैं, और सरकार अगर कोर्ट में ये पैरवी करती है तो हो सकता है कि कोर्ट अनुमति दे दी। क्योंकि पहला कारण हम आपको वजह बता दें कि जिन्होंने ये रिट दाखिल करी थी कि 40 से 45% पर रिजल्ट जारी होना चाहिए था, उनके अधिकारों का हनन तो केवल तब होता जब 68,000 पद पर पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,00,000 करीब होती, तब ये वो कह सकते थे कि रिजल्ट 33 पर निकलने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, उनके जो अधिकार है वो उनका छिन जाएगा। लेकिन अब कोर्ट में वो ये तर्क भी दे सकते हैं कि जिन्होंने ये रिट दाखिल करी सरकार के खिलाफ उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको तो नौकरी मिल ही जाएगी जिन्होंने 40 से 45 नंबर से ऊपर कट ऑफ दाखिल करने के लिए वो कोर्ट में अपील की थी, उनको तो नौकरी मिलेगी बचे मिलेगी, बल्कि जो कम मेरिट वाले हैं अभ्यर्थी हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, कोर्ट इसी वजह से हो सकता है डेफिनेटली कट ऑफ गिराने के लिए आज्ञा दे दे, क्योंकि कोर्ट तभी अगेंस्ट में ऑर्डर देती है जब याचिका करने वाले के अधिकार छिन जाते हैं या उसको लगता है कि उसका नुकसान होगा, किसी और का फायदा होगा। लेकिन यहाँ सभी के लिए फायदे की बात होगी अगर सरकार ऐसा करती है और कोर्ट ऐसा करती है। तो दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही हो सकता है आपके लिए भी खुशखबरी हो जाए। जैसे कि टेट 2017 का रिजल्ट संशोधित हुआ और बाद में 4,400 करीब अभ्यर्थी पास हो गए थे टेट में, ऐसे ही इस रिजल्ट को भी संशोधित करके दोबारा से जारी किया जा सकता है और भी कैंडिडेट पास हो सकते हैं और भी अभ्यर्थी इसमें पास हो सकते हैं जैसे जैसे वो परसेंटेज गिराएंगे। लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज गिराएंगे, वो डायरेक्ट 30-33 की नहीं गएंगे, क्योंकि 30-33 पे जैसे ही ज्यादा अगर अभ्यर्थी पास हो गए, 68,000 से ऊपर पहुंच गए, 27,000 से मतलब ज्यादा पास हो गए, तो वो 45 वालों की जो याचिका है वो मान्य हो जाएगी और उसमें फिर उनको फिर वही हो जाएगा कि शायद इनका अधिकार छिन जाए। इसलिए सरकार इतनी ही
कट ऑफ गिराएगी कि वो इतने ही पद भर सके जितने की जगह खाली है। तो ये बड़ी विचारणीय बात है और थोड़ा समय तो इसमें लगेगा, लेकिन कह तो ये रहे थे कि इस भर्ती को 5 सितंबर तक पूरा करा देंगे। 5 सितंबर तक सरकार कोई ना कोई खुशखबरी दे ही देगी। हो सकता है कि अब 5-6 दिन में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। ये कल की बात बता रहे हैं, क्योंकि कल ये पता नहीं था इतना कि सरकार पुनर्विचार याचिका डाली। तो ये मानना था कि जल्द से जल्द 5-6 दिनों में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 1 सप्ताह का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। मेरिट ऑन स्टेट लेवल पर बनेगी, जिला वरीयता है नहीं, तो जरा सी देर में मेरिट बनकर ऑनलाइन आ जाएगी। उसमें देखेंगे, आवेदन करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो पाएगा। अब थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी तो कोर्ट से तारीख लेगी, बात करेगी और जो अभ्यर्थियों को पास करवाएगी। तो दोस्तों, ये सरकार का बहुत ही अच्छा पहलू है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस बात के लिए सभी अभ्यर्थियों को जो है धन्यवाद देते हैं। और जो 30 और 33% की लड़ाई चल रही है, SCRT कार्यालय पर भी धरना दिया गया था। आपने देखा था कि BTC अभ्यर्थियों ने खूब संख्या में जाके वहाँ 30 से 33% पर धरना दिया था। उनकी भी मांग थी कि जो रिजल्ट है 30 से 33% पर जारी किया जाए। तो सरकार पर एक धरने का भी दबाव है और एक इधर छात्र जो पद जो रिक्त रह गए हैं उनको भरने का भी दबाव है। तो देखते हैं कि इसमें वो कितना सफल हो पाते हैं और क्या रहते हैं। बस यह है, कोर्ट की तारीखें थोड़ी लंबी ना हो जाएं और ये प्रक्रिया ज़्यादा लंबी ना जाए। उम्मीद यही करते हैं कि 5 सितंबर जो हमने सोच रखी थी डेट नियुक्ति पत्र की, वो दिवाली से ज़्यादा आगे नहीं जाए, यानी अक्टूबर से ज़्यादा समय नहीं लगे इस भर्ती में। ये सभी लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको एक बात इसके बाद थोड़ी सी संकोच वाली बात हम ये बता देते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ी नकारात्मक भी सोचें, अगर कोर्ट अगर नहीं करती है 40-45% पर ही रिजल्ट जारी रखती है, तो सरकार का ये कहना है कि बचे हुए 27,000 पदों को वो आगामी भर्ती में शामिल करेगी, यानी आगामी भर्ती में शामिल करेगी। लेकिन उसका ये कहना है कि जल्द से जल्द हम इस भर्ती को कराएंगे। इसके लिए डेट बताई थी, शायद 10 फरवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की उनकी रूपरेखा है कि 10 फरवरी तक हम 10 फरवरी को हम वो भर्ती परीक्षा करा देंगे। दूसरी वाली जो 68,500 के जो नेक्स्ट आगामी पद हैं, उसकी भर्ती वो 10 फरवरी को करा देंगे। और शायद UPTET 9 नवंबर को हो सकता है। तो नवंबर और फरवरी इन दोनों के बीच में सारा रिजल्ट जारी करना, सारी प्रक्रिया पूरी होना, वो सब रहेगा। और 10 फरवरी को भर्ती परीक्षा पुनः होगी और उस भर्ती परीक्षा को पास करने वाला अगली आगामी 68,500 पदों में आवेदन कर सकेगा। लेकिन वो 68,500 नहीं रहेंगे, 27,000 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है सरकार की मंशा कि पहले वो कोशिश करेगी कोर्ट के द्वारा यहीं से ही सारे पद भर दिए जाएं, इसी के द्वारा ही जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हीं में से इनको सिलेक्ट किया जाए। अगर आगामी भर्ती के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि BEd वाले लगातार अब भी संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें TET में अनुमति मिल जाए, आवेदन कर लें, हो जाए, लेकिन अब नहीं लगता है CTET से में वो आवेदन कर पाएंगे प्राइमरी के लिए। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, देखिए अगली भर्ती का कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं फरवरी में करा देंगे। ये भर्ती 2 साल में पूरी होने जा रही है, अगली भर्ती पता नहीं कब होगी। और अगले साल से तो आपको पता है कि BEd 4 साल की हो रही है, उसमें अगर संशोधन कर दिया कोई NCT ने संशोधन तो कर ही दिया है, और उसमें हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि BEd वाले भी उसमें शामिल हो जाए। तो सब कुछ छोड़ के फिलहाल आज खुशी की बात आपके लिए यही है कि आप निराश ना हो। कल के रिजल्ट के बाद जो अभ्यर्थी 33 से 45% के बीच अमल लाए हैं, वो कल से बहुत निराश है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कल उनका दिन बहुत ही कष्ट में कटा होगा। और इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया, और थोड़ा जल्दी बनाता लेकिन सुबह भी बनाया था, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गई थी। फिर दोबारा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये संदेश देना है कि आप निराश ना हो, हिम्मत ना हारें और कोई भी अनुचित कदम ना उठाएं, हिम्मत ना हारें। सरकार भी अब आपके साथ है, कोर्ट भी हो सके आपके साथ होगा और जल्द ही आपको खुशखबरी देगा, आप उत्तीर्ण होंगे। जैसे UPTET 2017 का रिजल्ट पुनः घोषित हुआ, हो सकता है शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट पुनः दोबारा से घोषित हो जाए। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें और भगवान चाहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी यही कि सब खुश रहें। मैं
इस वीडियो में लास्ट में आपसे बस यही कहूँगा कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपका साथी हमेशा शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई और बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों को आपको तक पहुंचाता रहूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को भी, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं हूं आपके साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।